सब्सक्राइब कीजिए शब्द सम्राट न्यूज चैनल को और बेल आइकन को भी दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। शब्द सम्राट न्यूज में आपका स्वागत है। रोड पर गाड़ी खड़ी करके ट्रैफिक जाम करने वालों के खिलाफ महानगर पालिका सहायक आयुक्त भगवान कुमावत की टीम ने कार्रवाई की और इन गाड़ियों को जब्त किया। साथ ही कुमावत की टीम ने मास्क न लगाने वालों पर भी कार्रवाई की, जिनसे महानगर पालिका ने 3,600 का दंड भी वसूला। और साथ ही यहां के कैंप क्रमांक 3-17 सेक्शन व शांतिनगर परिसर में रोड पर खड़ी गाड़ियों पर कार्रवाई की, जिसमें 8 मोटरसाइकिल व 6 फोर व्हीलर को जब्त किया और लोगों से आह्वान किया कि बिना मास्क के घर से ना निकले, नहीं तो महानगर पालिका कार्रवाई करेगी। कल हमने 17 सेक्शन में पुलिस डिपार्टमेंट के साथ जो लोगों ने मास्क नहीं लगाया था कोरोना के बारे में, उनके ऊपर हमने कार्रवाई करके 3,600 रुपये का हमने दंड जमा किया है। उसके बाद कल हमने 17 सेक्शन और शांतिनगर परिसर में जो गैरेज वाले उनके ऊपर भी हमने कार्रवाई की। गैरेज वालों का पुलिस के साथ हमने कार्रवाई कर दी। गैरेज वाले का हमने 8 मोटरसाइकिल और 6-4 चक्की जो गाड़ी है वो गाड़ी हमने जब्त किया है। कल हमने वो भी कार्रवाई हमने की। कल अब पूरा दिन में हमने कल 10,000 रुपया दंड वसूल किया है। सर, मेरे लोगों से एक विनती है, कोविड को थोड़ा सा सीरियस लेके सब लोगों ने घर से बाहर निकलते समय मास्क लगाना जरूरी है। मास्क नहीं लगाओगे तो हम लोग यही वापस कार्रवाई करके जो दंड है वो उचित दंड हम वसूल करेंगे। ओके।